मैं मोमिता के बारे में आपको कुछ बताना चाहती हूँ। जब वो छोटी सी थी तब हमारी एक ही लड़की थी, और दो बेटों के बाद वो आई थी तो बहुत ही प्यारी थी हमें, और दो बेटे थे और एक ही लड़की थी तो मुझे बहुत ही, मैं उसे प्यार करती थी। फैमिली में भी उसके सबके अच्छे, उसके स्वभाव से बहुत सब उसके साथ मिलजुल के रहते थे, सब उससे बहुत प्यार करते थे। बचपन से ही ममिता का सपना था कि मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनूंगी। मैंने जाके उससे बोला कि डॉक्टर क्या, तुम कोई भी लाइन ले सकते हो, तुम इतनी पावरफुल हो, तुम जो भी लाइन लोगी उसमें तुम सक्सेस हो जाओगी। तब ममिता ने कहा, नहीं माँ, मुझे सेवा करनी है, समाज सेवा करनी है, और इससे जो मुझे अच्छा लगता है, मुझे सुकून मिलता है, वो कहीं भी किसी भी जॉब में मुझे सुकून नहीं मिलता है। और वो इस सुबह से ना जाने किस तरीके से वो परेशान थी कि मुझे समझ ही नहीं आया कि वो क्या करना चाहती थी, क्या कहना चाहती थी। फिर आखिर उसने मुझे बोला कि माँ, मैं कुछ बात आपको बोलना चाहती हूँ, आपको बताना चाहती हूँ। मैंने बोल दिया कि बेटा, ऐसी भी क्या प्रॉब्लम है जो तुम मुझे बोल नहीं पा रही हो। तो उसने मुझे बोला कि माँ, मेरे हॉस्पिटल में बहुत कुछ गलत हो रहा है, कुछ बहुत ही गलत हो रहा है जो मैं जानती हूँ, मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ। बट मैंने उसे बोल दिया, अगर तुम चाहती हो कि सबको बताओ तो बताओ, किसी से डरो मत। फिर उसने वो सुबह दवाखाने गई, हॉस्पिटल गई, और शाम होते होते मुझे ये पूरा दिन इंतज़ार कर रही, अभी उसका कॉल आए। वो हॉस्पिटल जाके अक्सर मुझे कॉल किया करती थी, बट जब उसका कॉल नहीं आया, शाम हो गई, तब थोड़ा सा मन मेरा बेचैन हो गया, थोड़ी सी घबराहट हो गई कि ममिता का कॉल क्यों नहीं आया। फिर मुझे रात को कॉल आता है और हॉस्पिटल से बताया जाता है कि आपकी ममिता की तबीयत बहुत ख़राब है, आप फटाफट यहाँ से आ जाइए। जब मैं वहाँ फटाफट गई तो मुझे 2-3 घंटे के लिए अपनी ममिता का मुँह भी देखने को नहीं मिला, और जब उसको देखा तो मेरे होश उड़ गए। उसको चीर दिया गया था, उसके मुंह से खून निकल रहा था।